जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम बताएंगे आपका एयर कंडीशनर कितने टन का है। कुछ कंपनियों की एसी में डायरेक्टली टन लिखा होता है, तो उसको आप आसानी से जान जाते हैं कि ये कितने टन का है। मगर कुछ कंपनियां एसी की कैपेसिटी को अलग-अलग नामों से लिखती हैं, उन्हें समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कि एसी कितने टन की है। जैसे कि कुछ कंपनियां एसी की कैपेसिटी को वाट्स में, कुछ किलोवाट्स में, कुछ बीटीयू पर आवर्स में, तो कुछ किलो कैलोरी पर आवर्स में लिख देती हैं। अब इन सबको टन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो हम बताएंगे। आप ये चार्ट याद रखिए, एक टन में 3,516 वाट्स होते हैं। वैसे ही एक टन में 3.516 किलोवाट, 12,000 BTU पर आवर्स, 3,000 किलो कैलोरी पर आवर्स होता है। बस इसी चार्ट से आप वाट्स, किलोवाट, बीटीयू पर आवर्स या किलो कैलोरी पर आवर्स, इनमें से कुछ भी लिखा होगा उसको आप टन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस एसी पर कूलिंग कैपेसिटी 5,280 वाट लिखा हुआ है। अब इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए एक टन में 3,516 वाट होते हैं, तो 5,280 को 3,516 से डिवाइड कर देना है। तो 5,280 / 3,516 बराबर ये आ गया 1.5। ये 1.5 टन में आ गया। मतलब इस एसी की टन में कितनी कैपेसिटी है, 1.5 टन। नेक्स्ट मान लीजिए किसी एसी पर 14 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है। अब इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए एक टन में 3,516 किलोवाट होता है। तो बस 14 को 3,516 से डिवाइड करना है। तो ये 14 / 3.516 बराबर 4, ये 4 टन आ गया। इस एसी पर आप देख रहे हैं 36,000 BTU पर आवर्स लिखा हुआ है। अब इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए एक टन में 12,000 BTU पर आवर्स होता है। तो बस इस 36,000 BTU पर आवर्स को 12,000 से डिवाइड कर देना है। तो 36,000 / 12,000 ये आ गया 3.0। ये 3.0 मतलब 3 टन का एसी है। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एसी पर लिखा हुआ है 49,500 किलो कैलोरी पर आवर्स। इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए एक टन में 3,000 किलो कैलोरी पर आवर्स होता है। बस हमें 49,500 को 3,000 से डिवाइड कर देना है। तो ये 49,500 / 3,000 ये आ गया 16.5। ये 16.5 टन का पैकेज एसी है। बस आपको याद रखना है, अगर किसी भी एसी पर वाट्स लिखा है तो आपको 3,516 से डिवाइड करना है। किलो वाट लिखा है तो 3,516 से डिवाइड करना है। बीटीयू पर आवर्स लिखा है तो 12,000 से डिवाइड करना है। वैसे ही अगर किलो कैलोरी पर आवर्स लिखा है तो 3,000 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो उतने ही टन का एसी हो जाएगा। वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम एचपी में आता है। तो वीआरवी और वीआरएफ को टन में कन्वर्ट करने के लिए जितने एचपी का सिस्टम होगा उसको 1.25 से डिवाइड कर देने से जो वैल्यू आएगी वो उस वीआरवी या वीआरएफ का टन हो जाएगा। जैसे कि 16 HP का वीआरवी सिस्टम है, तो 16 HP को 1.25 से डिवाइड कर देने से 16 / 1.25 बराबर 12.8। ये जो वैल्यू आ रही है बस यही इस वीआरवी का टन में वैल्यू हो गया।
ऐसी ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको एयर कंडीशनर की कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए। हाँ, अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आप ज़रूर इस चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपसे कांटेक्ट करके आपकी हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।